नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको गैस गीजर के बारे में बताऊंगा। अगर आपका गैस गीजर ऐसा काला धुआं मार रहा है तो क्या करने का है, क्या वो बताऊंगा। पूरे बाथरूम के अंदर ये देखो काला पूरा कार्बन हो चुका है, तो इसको कैसे ठीक करने का है आज मैं बताऊँगा। इस वीडियो में बनी रही है। ये देखिए, इसकी पीले कलर की जल रही है, ब्लू कलर की जलनी चाहिए। देखो कुछ इस तरह ये पीले कलर में जल रहा है, यही काला धुआं मारने का कारण है। इसका बर्नर निकाल के साफ़ करना पड़ेगा। देखिए ब्लू कलर से होना चाहिए। तो चलिए इसको पहले खोलते हैं पूरा और बताते हैं कैसे वो उसका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए। तो ये गैस गीजर है, उसको निकालेंगे बाहर, उसकी साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। क्या क्या करना पड़ेगा उसकी सर्विसिंग, चलिए देखते हैं। पहले तो उसको निकाल दिया है, पहले इसको पहले ऊपर की जो जाली है वो निकालेंगे। दिखाई दे रहा होगा आपको, ये तो दो नट आते हैं, ये निकालने के हैं। ये निकालने के बाद इसके नीचे एक और दो नट होते, नट बोल्ट होते हैं, वो निकालेंगे। इसके अंदर का जो चिमनी, जो बर्नर है, सब एक एक करके निकाल के निकालना पड़ता है। पहले इसके चार्जर निकालेंगे, सॉरी लाइटर निकालेंगे। ये दोनों लाइटर है और इसके अंदर का एक सेंसर होता है। ये दो लाइटर दो तरफ लगी वाली होते हैं, और यहाँ पे एक लाइटर होता है और इसकी बड़ी वाली नोक जो होती है उसका सेंसर होता है, वो भी निकालेंगे। चलिए उसको भी निकाल दिया मैंने। अब इसके नीचे अंदर दो नट होते हैं, नट बोल्ट होते हैं बर्नर के, चिमनी के लगे वाले, वो भी निकालेंगे। एक यहाँ का नट और एक यहाँ का नट, और ऊपर होते दो नट, एक यहाँ पे होता है चिमनी के और एक यहाँ का नट, ये भी नट निकालेंगे और स्क्रू, और साइड से भी दो दो होते हैं चिमनी के, वो भी निकालेंगे। चलिए निकल चुके हैं। ये देखिए पूरा कार्बन अंदर है, बहुत ही कार्बन जमा हो चुका है। चलिए उसको निकालेंगे, और उसको निकालने के लिए उसके थर्मास्टेट जो वायर होते हैं वो भी निकालेंगे। ऊपर की चिमनी निकाल दिए हैं। अब ये पानी का टैंक जो होता है उसको भी निकालने का। देखिए ऊपर से कार्बन दिखाता हूँ कितना जमा हो चुका है। ये देखिए कार्बन, ये पूरा कार्बन जमा हो चुका है, इसी की वजह से वो काला धुआं मार रहा था। काला धुआं किस लिए मार रहा था वो भी आगे बताऊँगा मैं। इस बर्नर की वजह से काला धुआं मार रहा था। चलिए अब उसको निकालना है टंकी को। तो यहाँ से दो नट होते हैं उसके, ये भी खोलना पड़ेगा अपन को। ये गर्म पानी के आते हैं वो भी खोलना पड़ेगा, और ये यहाँ का एक छोटा सा यूनियन होता है, ये यूनियन भी खोलना पड़ेगा। तो चलिए स्क्रू ड्राइवर की वजह से ये भी खोलेंगे। ये दोनों भी नट खोल चुका मैं। अब ये यहाँ के जो थर्मास्टेट के जो वायर होते हैं, दोनों भी थर्मास्टेट के वायर हैं, वो भी निकालूंगा। चलिए अब ये भी निकाल दिया मैंने। अब ये चेक नट रहा है, इसको यूनियन भी बोलते हैं। पेंच की सहायता से उसको भी निकालेंगे, अच्छी तरह से निकालना पड़ता है, कहीं टूट ना जाए, सावधानगिरी से निकालना पड़ता है। चलिए ठीक है, उसको भी निकाल दिया। अब इसका डैम भी पूरा निकल जाएगा। इसके लिए बर्नर खोलना पड़ेगा। बर्नर के ऊपर जो दो नट होते हैं वो निकालने पड़ेंगे। एक यहाँ का नट आता है और एक पहले वाले मैंने निकाल दिया एक नट, ये दूसरा भी नट निकाल रहा हूँ। ये देखिए ये रहा बर्नर, उसको साफ़ करेंगे। काला धुआं मारने का वजह वो तो बाद में साफ़ करेंगे, पहले इस टंकी को निकालेंगे। माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने ही खुद वीडियो बनाया, पूरा हिल रहा होगा, आप उनको अच्छी तरह दिखाई नहीं दे रहा होगा, करके माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि खुद ही वीडियो बनाया, खुद ही काम किया। ये देखिए अंदर पूरा कार्बन है, उसको साफ़ करेंगे पहले पानी से, डिटर्जेंट डाल के उसको साफ़ करेंगे। देखिए चलिए कैसे निकलते हैं। ये भी देखिए इसका भी टक्कन भी पूरा काला हो गया। ये देखिए ये रहा अंदर कार्बन, बहुत ही सारा कार्बन हो गया। स्क्रू ड्राइवर की सहायता से मैंने उस कार्बन को निकाल रहा हूँ। देखिए बहुत ही कार्बन है,
शायद आप उनको ज़्यादा दिखाई नहीं देगा, पर जितना दिखाई उतना तो दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल से तो अच्छा दिखाई दे रहा है, मगर ज़्यादा साफ़ करने को उसको पानी से धुलाना पड़ता है। इसके अंदर डिटर्जेंट डालेंगे, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच डिटर्जेंट डालेंगे, उसको उसका पानी बना के उसको साफ़ करेंगे। तो इससे 2-4 मिनट में यूं ही निकल जाता है टूथ ब्रश की सहायता से या किसी भी ब्रश की सहायता से। उसको अगर घिस लिया तो अपने आप वो कार्बन निकल जाता है। देखिए कुछ इस तरह से डाल देंगे इसके अंदर पानी, तो बस 2-3 मिनट में निकल जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अच्छी तरह उसको साफ़ करने के बाद अब बर्नर दिखाता हूँ कि बर्नर किस तरह साफ़ करते हैं। ये देखो टूथ ब्रश की सहायता से कुछ अंदर भी इसके मैंने साफ़ कर दिया। तो चलिए अब बर्नर दिखाते हैं कैसे साफ़ करने। एक तो पेट्रोल से साफ कीजिए या तो केरोसिन से साफ कीजिए। मुझे पेट्रोल तो नहीं मिला, मैंने केरोसिन ले लिया, वो भी टर्पिन तेल ले लिया मैंने। वो केरोसिन की जैसे ही होता है गए वाला टूथ ब्रश लेने का, इसके ऊपर के जो बर्नर है छोटे छोटे छेद है उसको लगा के उसको साफ़ करना पड़ता है। अब साफ़ करने के बाद इसमें थोड़ा सा केरोसिन या अटक जाता है तो उसको जलाना पड़ता है। तो गैस के चूल्हे पे उसको उल्टा रख के उसको जलाओ, बाद में वो स्पॉट गिट ना हो जाए, जो भी थोड़ा सा केरोसिन बचा हुआ है वो जल जाएगा, बाद में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं, 1/2 मिनट उसको जलाना है, क्योंकि उसके छेद में केरोसिन चला जाता है और छोटे छोटे कार्बन में वो साफ़ हो जाते हैं, जल जाते हैं और पूरी तरह साफ़ हो जाता है। बस यही इसका काम है, धुआँ मारने का काम। इसके अंदर कार्बन आ जाते हैं तो उसको केरोसिन या पेट्रोल से साफ़ करने, अगर पेट्रोल से साफ़ कर दिया है तो उसको जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि पेट्रोल अपने आप उड़ जाता है, ये केरोसिन अंदर अटक जाता है, करके मैंने उसको जलाया। तो चलिए अभी हो गया साफ, चलिए अब बिठाते हैं उसको। तो जैसे मैंने खोला था बस उसी तरह उसको फिट करना है। ये देखिए नीचे के 2 स्क्रू भी लगाए, अब ये यूनियन भी लगा रहा हूँ मैं, पानी का टैंक भी लगा रहा हूँ, ये भी लगाने का, अब ये बर्नर भी लगाना है, ये बर्नर भी लगाएंगे, बाद में थर्मास्टेट भी लगाएंगे और उसके लाइटर भी लगाएंगे। बारी बारी से जैसे मैंने निकाला बस सब लगा लिया, एक एक करके सब लगा दिया मैंने। खाली ऊपर की चिमनी रह गई, चिमनी भी लगाएंगे, ये भी चिमनी, ये रही चिमनी इसके, ये भी लगाऊंगा ऊपर से। जैसे जैसे मैंने उसको खोला था वैसे वैसे पूरा फिट करते चली जाइए। और ये आप भी घर पर कर सकते हो, एक पेंचिस और स्क्रू ड्राइवर की सहायता से आप कर सकते हो घर पर। ज़्यादा उसको कोई टेक्नीशियन या इलेक्ट्रिशियन को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लम्बर्स बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए मैंने पूरा फिट कर दिया है, अब देखते ऊपर से साफ़ हुए कि नहीं। देखो ये पूरा साफ दिखाई दे रहा है। अब नीचे बर्नर देखते हैं, ये भी देखिए बहुत ही अच्छे तरह से साफ़ हो चुका है, देखिए। अब चलिए उसकी ट्राई करते हैं। तो पहले जाके ऊपर टंकी से कॉक जो बंद कर दिया मैंने वो चालू करके आता हूँ। ये देखिए आपके टंकी पे कॉक मैंने बंद कर दिया था, अब ये भी चालू कर देता हूँ। इसके ऊपर का टूट चुका है तो पेंचकिस की सहायता से मैंने उसको ऑन कर दिया है कॉक। ये देखिए उसके प्रेशर से पानी भी आ रहा है, ये तो होता ही रहता है। चलिए अब चालू करके देखते हैं। पहले जो पीला वाला धुआं था अब ये देखिए नीला हो गया। ये देखिए पहले वाला दिखाई दे रहा है आपको और ये नीला हो गया। अब ये देखिए तो इस तरह होना चाहिए। बस आज के लिए वीडियो में बस इतना ही है, तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ ऐसे ही नई नई मज़ेदार वीडियो लेने के लिए। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए प्लीज़, शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।